दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के। जैसा कि आपने स्क्रीन पर हमारा थंबनेल देखा होगा उसी को डिस्कस करेंगे, जिसका साइज़ है 12x60। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने इस मॉडल की डिमांड की थी, उनके कहने पर इस मॉडल को मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। 12x60 में बहुत ही बेहतरीन प्लान डिज़ाइन करके दिया है, जिसमें आपको फ्रंट में एक शॉप मिलती है, बड़ा सा हॉल टाइप का मिलता है, जिसमें आप हॉल एज ए हॉल ऐसे यूज कर सकते हैं या आप उसे शॉप भी बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको बेडरूम, किचन, लेटरिन, बाथरूम और एक बेहतरीन सी स्टेट्स भी मिलती है। तो पूरा डिस्कस करेंगे इस मॉडल को 12x60 का। तो बने रहिए लगातार, मैं हूं पहुंचा दे और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं, इससे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों अगर आप हमारी पेड सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं, आप अपने घर, मकान या स्कूल वगैरह कुछ भी डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी पेड सर्विस का भी यूज कर सकते हैं। पेड सर्विस का नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट करें। आप किसी भी टाइप का मकान वगैरह डिज़ाइन करवा सकते हैं। अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो एक पेड सर्विस होगी। वहाँ पर आपको फ़ोन पर बात की जाएगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको समझाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका घर रेडी किया जाएगा। उसमें आपको 2D और 3D मैप दिया जाता है। तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है हमें आप बता दें। तो चलो जो आज का टॉपिक उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जिस मॉडल की आज हम बात कर रहे थे वह ये पूरा मॉडल है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्लान है जो मैंने बताया था 12x60 फील्ड में, और इस मॉडल को पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ये फिलहाल 3 साइड क्लोज्ड है, इसका फ्रंट व्यू ये है। और तो मैं ये पेड़ की वजह से मैक्सिमम जूम करके आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो मैं पहले ये पेड़ हटा देता हूँ, इसके बाद पूरे मॉडल को डिस्कस करता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने पेड़ हटा दिया, अब मैं इस पूरे मॉडल को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं मैक्सिमम जूम करता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए। ये देखिए रेलिंग है जो आपको बिल्कुल रियल सी लग रही होगी, क्योंकि इसको और ये आपका विंडो वगैरह मैंने दिया, ये आपका थोड़ा सा डिजाइनिंग का पार्ट है पीओपी का, और आप ये पिलर देख पा रहे हो, ये आपका डोर है मेन डोर, और ये आपका रेलिंग है। ये जो फर्स्ट फ्लोर देख पा रहे हो कि ऐसा है, बिल्कुल सेकेंड फ्लोर है ये, पूरा जूम करने पर आपको ऐसा दिखता है, मैक्सिमम जूम करने पर दोस्तों ऐसा दिखता है। अब इसको अगर हम फिर से वैसे करें तो सबसे नीचे मैंने बताया था आपको एक दुकान मैंने क्रिएट किया है, तो उसका भी शटर देख पा रहे होंगे, और ये मेन डोर है जिससे आप एंट्री करेंगे इस मकान में। तो चलो पूरे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका ग्राउंड फ्लोर हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर के लिए आपको आ जाना है दोस्तों यहाँ पर, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ जिससे आपको ये सही से समझ में आए। तो ये देख पा रहे हो ये जो दोस्तों शटर है, जो कि शॉप है, दुकान है उसका शटर, और ये मेन डोर, जैसे मेन डोर से एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये दुकान ही मिल जाती है। देखिए ये दुकान बड़ा हॉल टाइप का ही है, मैंने यहाँ पर और कुछ क्रिएट नहीं किया था, जो सब्सक्राइबर थे उनके कहने पर। ये देखिए पूरा हॉल है, बहुत ही बड़ा है, इसका मैं 2D मैप भी आपको अभी दिखाने वाला हूँ कहाँ पर क्या है, क्या उसका साइज़ है। इसके बाद एंट्री करते हैं, फिर से डोर आपको लगा है यहाँ पर, आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं और ये स्पेस मिल जाता है, ओपन स्पेस जिसे आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद ये गैलरी गया, और फिर आपको मिल जाता है आपका किचन, आप चाहते हैं तो इसे ओपन भी करवा सकते हैं, आप चाहें क्लोज भी करवा सकते हैं। किचन गैलरी से आपको डोर दिया है, फिर एक बेडरूम मिलता है जो कि आपको डोर और विंडो के साथ मिलता है, जिससे आपका प्रॉपर प्लान वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये हो गया। इसके बाद पीछे आपका सेपरेट लेटरिन है, सेपरेट बाथरूम है सबसे पीछे बनाया है, और साथ ही साथ वहाँ पर एक आपको जगह भी मिलती है, क्योंकि इसका साइज़ कम है इसलिए यहाँ पर आपको काफ़ी जगह मिल जाती है, आपका एक बेडरूम। अब अगर आप चाहते हैं आप शॉप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप पर डिपेंड करता है, ये आगे लगभग 20 फीट जगह दोस्तों मैंने छोड़ रखी है, 20 फीट का शॉप है। अगर आप नहीं चाहते तो आप यहाँ पर 2 रूम क्रिएट कर सकते हैं, अगर ज़्यादा रूम की आवश्यकता है आपको, या आप हॉल या पार्किंग के लिए स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो आपसे एक रूम अभी और क्रिएट कर लें, क्योंकि ये लगभग 20 फीट का अप्रॉक्स है दोस्तों, एक रूम आप और क्रिएट कर लें और साथ साथ आप पार्किंग की छोड़ सकते हैं, या आप पूरा शॉप, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ये स्टेयर्स हैं और ये भी आप देख सकते रूम, तो ये पूरा डिज़ाइन है दोस्तों, मैं बता दूँ लगभग ये 4 फीट का लेटरिन और बाथरूम है, 5 फीट का, मैं ऐसे ऐसे जो इस तरीके से आपका डिस्टेंस उसकी बात कर रहा हूँ, ये 4 फीट का, ये अप्रॉक्स 5 फीट का है, ये आपका लगभग 12 फीट लंबा दोस्तों रूम है और 8 फीट चौड़ा है, ये लो दोस्तों 4.5 फीट चौड़ाई है इनकी, ये लगभग 5 फीट का किचन है और 8 फीट चौड़ा है। इसके बाद ये पोर्शन लगभग आपका ये 15 फीट में दोस्तों पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, और ये पूरा 20 फीट है, तो ऐसे करके पूरा ये 60 फीट का एरिया दोस्तों मैंने डिवाइड किया है सभी में। तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंजमेंट कर सकते हैं, हालांकि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उस अकॉर्डिंग मैंने इसे घर को तैयार किया है। तो ये इसका फ्रंट लुक मैंने बता दिया, ये आसपास आपका घर ही बना होगा। अब अगर हम इसके बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर ये आप रियलिस्टिक व्यू मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, आप देख पा रहे हो ये रेलिंग वगैरह, आपका कलर आप पर डिपेंड करता है, और जैसे स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो सारी चीज़ें वही मैंने डिज़ाइन की, हालांकि मैंने ऊपर कुछ भी चेंज नहीं किया है। आप अपने
अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग चेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बहुत ही कम है, इसलिए आप ज़्यादा कुछ यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा लंबा लंबा ही है, उसी में आपको रूम भी क्रिएट करना, उसमें गैलरी भी रखनी है, तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कम जगह में। तो ये इसका फ्रंट व्यू, इसको विंडो मैंने दिया है यहाँ पर, ये थोड़ा डिजाइनिंग का पार्ट है, और ये आपका मेन डोर है, ये आपका रेलिंग है। अब ये तो बात हो गई दोस्तों फर्स्ट फ्लोर की, अगर बात करें लास्ट फ्लोर की, तो लास्ट फ्लोर पर फिलहाल मैंने कुछ डिज़ाइन नहीं किया, आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ ये जो स्टेयर्स थी उसको ढक दिया है जिससे पानी ना जाए बरसात का, और चारों तरफ बाउंड्री दे दी है 3.5 फीट की, और फ्रंट में रेलिंग दे दी है। तो ये पूरा ओवरऑल मॉडल हो जाता है 10x60 का, जो कि बेहद बेहतरीन मॉडल है। आपको जैसा भी लगा हो, हमें अपना सुझाव देकर या अपना लाइक करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप हमारी पेड सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या फीडबैक है, आपकी क्या राय है, अगर आप कोई हमें सजेशन देते हैं, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं और वीडियो क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस टॉपिक पर आपका क्या राय है और इस वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।